तो सर स्पीडो मैच जो कवर करने वाले बांग्लादेश वुमेंस वर्सेस आयरलैंड वुमेंस के बीच जो कि वनडे मैच खेला जाएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी बड़ा मैच है। देखो पर से बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा मैच है सर सुबह से कि पूछो मत। रात के लगभग अब 12 बजेंगे, 11:30 होने वाले हैं, और लेकिन मैचेस ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा। आप खुद देखो, मैं जस्ट वीडियो शूट करते जा रहा हूँ लेकिन वीडियो ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसका शूट किया, इसका शूट किया, इसका शूट किया, और इसका शूट करो, इसके बाद मुझे इसका भी शूट करना है, तो ऑन डिमांड, क्योंकि बहुत लोग बोलते हैं ना इसीलिए। खैर ये वुमेन मैच है और आपको पता है कि वुमेन मैच का इस फील्ड में सबसे अगर कोई अच्छा खिलाड़ी हो तो मैं हूँ। आपको पता है कि वुमेन जितने मैचेस में कवर करता हूँ कोई नहीं कवर। काम करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है, ऐसे मैचेस की टीम कोई प्रोवाइड करे ना करे, लेकिन मैं आपको विनिंग टीम जो उसे प्रोवाइड करूँ वो भी फ्री में। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, क्योंकि एक बार टेलीग्राम चैनल जो हमारा आप ज्वाइन करोगे ना, आपको लाइफ में कभी भी दूसरा चैनल आपको ज्वाइन नहीं करना पड़ेगा, इसकी गारंटी है। तो एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करो। लिंक 100% काम करता है, जहाँ पे फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको सबसे पहले प्रोवाइड करता है, जो जितना जल्दी हो सकता है भाग के दौड़ के जितना जल्दी डिस्क्रिप्शन बॉक्स जल्दी ज्वाइन कर लो। कुछ नहीं करना, जिस वीडियो को डिस्क्रिप्शन ओपन करना है पहले वाले लिंक पर क्लिक करो, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो। क्योंकि जैसे टीम हम देंगे ना पूरे फील्ड में कोई नहीं, और स्कड्यूल वगैरह भी बता देते हैं मैचेस कवर करते हैं, तो ज्वाइन जरूर से कर लेना, क्योंकि देखो यार बहुत मेहनत लगती है। तो टेलीग्राम चाहिए ज्वाइन कर लो फाइनल टीम के लिए। एंड बात करते हैं, मैं इंपॉर्टेंट चीज़ कवर अप करूँगा, कोई फालतू का टाइम पास वगैरह नहीं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंट चीज़ें कवर अप करेंगे, ठीक है। खैर ये तो मैं उस मैच के लिए लिख रखा हूँ भाई, अंडर 19 कवर करना है, इसका भी डोट क्यों निकाल रहा हूँ। वही ओपन करते लास्ट मैच स्कोर कार्ड, बहुत वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक ना। ओपन करते स्कोर कार्ड, टाइम पास निकालना चाहूँगा, स्कोर कार्ड ही ओपन करूँगा आज, बहुत लंबी वीडियो शूट नहीं करना चाहूँगा, ठीक ना। अपकमिंग वुमेन, खैर अपकमिंग में बहुत सारे मैचेस आ रहे हैं ना। ये रहा सेकेंड, फर्स्ट मैच खेल में नहीं कवर किया कर पाया था, बहुत लेट हो गया था, लेकिन सेकेंड में जो उसे कवर, क्योंकि रात भर मुझे जगना ही है, तो मैं सोचा कवर करते वनडे मैच है, ठीक है। लास्ट मैच कुछ लोग बोले लास्ट मैच क्यों दिखा रहे भाई, लास्ट मैच स्कोर कार्ड से मैं टीम लीड करूँ, क्योंकि उससे सबसे बेस्ट ऑप्शन थे वो। पहली बात तो टाइम बचेगा, लास्ट मैच स्कोर कार्ड से मुझे रिसेंट फॉर्म पता चल जाएगा, कौन से खिलाड़ी कितने ओवर बॉलिंग कर रहे हैं, कितने ओवर बैटिंग कर रहे हैं, सब कुछ पता चल जाएगा, जो कि मुझे बहुत सही लगता है। क्योंकि बहुत दिन बाद में जा रहा हूँ कवर करने बांग्लादेश के मैच, बहुत दिन में क्या होगा, 2-3 महीने होंगे, ठीक है। और बांग्लादेश की अगर हम बात करें, मेहनत तो बहुत लग रही है भाई वीडियो शूट करें भी, क्योंकि लगभग 10 बजे बैठा था और 12 बजने वाले। फ्रेंड है क्यों ओपनिंग करेंगे मुर्शिदा खातून, जो कि देखो वनडे मैच की यही एकमात्र प्लेयर जो कि बहुत इनफॉर्म है, इनके बारे में मैं कुछ बोलूंगा नहीं। मुर्शिदा खातून मैंने आज तक पे जितने भी आप कोई भी मेरे वीडियो ओपन करके देख रहे हैं बांग्लादेश की, कोई भी, मैं हर वीडियो में इनकी तारीफ किया, बांग्लादेश की इनफॉर्म प्लेयर मुर्शिदा खातून। समीन उसके देखो, शर्मिन अख्तर जो कि टीम से कैप्टनसी करेगी, विकेट कीपिंग करेगी टीम दस से, निगर सुल्तान जो कि विकेट कीपिंग तो नहीं करेगी लेकिन बहुत इनफॉर्म प्लेयर, विकेट कीपिंग करना चाहिए एटलीस्ट यार, ये गलत चीज़ है। सुरना अख्तर अवेलेबल है, सुवर्ण अमोस्ट अवेलेबल। वैसे तो बांग्लादेश अच्छी टीम है, लेकिन लास्ट टाइम विन भी किया आयरलैंड, लेकिन मुझे बहुत फेवरेट लगती है भाई। भले बांग्लादेश बहुत अच्छी इनिंग खेली, बहुत अच्छे स्कोर किए, लेकिन मुझे फिर भी आयरलैंड ज़्यादा पसंद है। हालांकि वो बहुत ख़राब खेली बट फिर भी अच्छी टीम है आयरलैंड, तो बांग्लादेश भी अच्छी टीम है भाई। फ्रेक्यू उनके पास जो कि वनडे मैच की प्लेयर है, मुर्शिदा खातून वनडे मैच की प्लेयर है, ये सब स्लो खेलने वाले प्लेयर सब है। उसके अलावा अख्तर है, निगर सुल्तान वनडे मैच या प्लस T20 के पावर हीटर है, सुरोना अख्तर है, सुवर्ण अमोस्ट जो कि T20 के भाई भाई पावर हीटर है भाई, ठीक ना। तो ये तो इनका ठीक है बैटिंग ऑर्डर, ठीक है। थोड़ा सा देख लेते बॉलिंग देख लेते इनका, तो मरूफा अख्तर जो कि टीम से पूरा मैच नहीं गया था, ठीक है, 4 ओवर बॉलिंग की, सुल्ताना खातून 8 नंबर बॉलिंग की, 3 विकेट, सामने कमजोर टीम थी पूरा फायदा उठाया फहिमा खातून, रेबे खान भाई जबरदस्त प्लेयर है, ठीक है बॉलिंग लाइन देखोगे तो। अब आयरलैंड का देख लेते, सारा फोर्स जो कि टीम से 25 स्कोर की, कैविलो जो कि चेसी मास्टर होते भी लास्ट टाइम चेस नहीं कर पाई, एमी हंटर कुछ नहीं कर पाई भाई, ओला प्रिंट की इतनी बड़ी प्लेयर इनके पास है बट फिर भी कुछ नहीं कर पाई, वनडे मैच के प्लेयर है, लोरा डिलानी भी इनके पास है, ली पूल है भाई, फिर भी कुछ नहीं कर पाए, एने के लिए है बट फिर भी यार ये लोग 98 पे ऑल आउट हो गई, जबकि गैविलियस सेंचुरी मार सकती थी, एमी हंटर 50-60, ओल्ला प्रिंटिंग सेंचुरी मार सकती थी, लॉरा डिलानी सेंचुरी मार सकती थी, ली पुल मार सकती थी, बट फिर भी यार कितना कम रन स्कोर हुआ है, क्योंकि सामने का बॉलिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग था मैं मानता हूँ। इनका बॉलिंग देख ले तो ओल्ला प्रिंटिंग 4 ओवर बॉलिंग की, एवा कैनिंग 10 ओवर, ठीक है, एने के लिए 4 ओवर, ठीक है 10 ओवर बॉलिंग की, ठीक है, प्रेरणाशिन 2 विकेट ले गए, लॉरा डिलानी भाई बॉलिंग की 6 ओवर ना, चलो ठीक है कोई तो बॉलिंग किया अच्छा खासा, टाइम पास नहीं करते टीलिया पे एक्टिव रहने की, जिससे टीम हम देखने पूरे फील्ड में भाई कोई नहीं दे सकता, तो एक्टिव रहने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, उस पर क्लिक करो, टेलिया पे ज्वाइन करो, फाइनल टीम और विनिंग टीम आपको टेलिया पे मिल जाएगा सबसे पहले और थर्ड टीम। एंड बात करते हैं प्ले वाइज सेंसेस से, खे बहुत मेहनत लगी, उसके बाद जाकर 20 बज के वीडियो देख लेना, चाहे अपलोड कर दूँगा भाई, बहुत मेहनत लगी वीडियो शूट करने में। ओपन करते और आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, और नेपाल T20 भी भाई, लो नेपाल T20 भी आ गया है। इस बात का विकेट कीपर से, उससे पहले उस वीडियो को जूस लाइक, इस मोटिवेशन मिलता है प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब, बेल आइकॉन पर सर्च करने वाली वीडियो सबसे पहले को नोटिफिकेशन मिलता है, सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। बात करें विकेट कीपर से, बहुत लॉजिकली टीम क्रिएट के फालतू टाइम पास नहीं करते। बात करें विकेट कीपर से, यार
बहुत अच्छे से समझाऊंगा, जो चीज़ बताऊंगा उसको नोट डाउन कर लेना मेरे भाई, ठीक है। वनडे मैच है उस हिसाब से टीम क्रिएट करना, और वो भी वुमेन मैच है तो उसी हिसाब से टीम क्रिएट करना है। तो थोड़ा सा देख लो, बांग्लादेश फेवरेट हो सकती है लेकिन आयरलैंड इतनी कमजोर नहीं जितना लास्ट टाइम परफॉर्म की थी, इतना याद रखिएगा। बांग्लादेश अच्छी टीम है, निगम सुल्तान के साथ जाइए, भले विकेट कीपिंग नहीं कर रही बट क्या है कि भाई वनडे मैच के प्लेयर है, और वनडे क्या T20 में भी अच्छी टीम आते हैं और इनफॉर्म प्लेयर पिक करके चलते हैं। एमी हंटर T20 रहता तो देखा जाता बट अभी साइड रखते हैं। ली पोल बॉलिंग नहीं कर रही तो साइड रखते हैं। गैविलियस चेसिंग मास्टर है, अच्छी प्लेयर है। अभी के लिए आप मुर्शिदा खातून बहुत इनफॉर्म प्लेयर है भाई। सुवर्णा मोस्ट्री, देखो भाई ये जो प्लेयर है ना ये सब अच्छे प्लेयर है, मना नहीं कर रहा, लेकिन ये सब T20 प्लेयर है। सुवर्णा मोस्ट्री आपको जाना है तो अख्तर के साथ जाइए, जो कि विकेट कीपिंग प्लस बैटिंग में पहले आएंगे। फ्रैंक नाहक, ये सब वनडे मैच के प्लेयर है भाई, ये सब फ्रैंक नाहक वनडे मैचेस में ज़्यादा तरी चलती है। सारा फॉरेस्ट वगैरह अच्छी प्लेयर बट कुछ खास फॉर्म में नहीं, लेकिन प्लेयर ठीक है। मुझे अब बोलोगे तो मैं तीन ही पिक किया हूँ, लेकिन पर से बताओ गैविलियस चेसिंग मास्टर है भाई, T20 वगैरह में चलती है। हाँ कहाँ चलेगा, वनडे मैच ये लोग परफॉर्म नहीं करते। उसके अलावा ओल्ड अपडेटिंग बॉलिंग भी कर रही प्लस सीनियर टाइप के प्लेयर तो पिक कर चलते हैं। रितु मोनिया विलियम फैमा खातून पिक कर सकते हो, लॉरा डिलानी पिक कर लेते हैं, सोना अख्तर अच्छी पिक हो सकती है। एडने के लिए भाई बहुत बड़ी प्लेयर है तो पिक कर चलते, क्योंकि भाई ये पहले न्यूजीलैंड के लिए खेलती थी, अच्छी प्लेयर है भाई। वैसे एडने के लिए जैसे बॉलिंग कोई नहीं करते तो पिक करके चलते हैं। उसके अलावा नहीदा अख्तर पिक कर लेते, रेबे खान अच्छी बॉलिंग करते, फ्रेश इनट अच्छी है, एनुचारी से मुर्शिदा खातू ने वो लोग था तो बॉलिंग मुझे देखते लोग भाई। इकोनॉमिकल रेट देखोगे तो थोड़ा सा ना मरूफ अख्तर अच्छी बॉलिंग है, सबसे अच्छी बात तो सुल्ताना खातून की 2.6 के, और नहीदा अख्तर जो कि दैथा बॉलिंग करती भाई, अच्छी प्लेयर नो डाउट। हालांकि दैथा मैटर नहीं करेगा वनडे मैच है, ठीक है। रेबे खान को पिक करे ना करे ये तो 50-50 है, लेकिन प्लेयर बहुत बड़ी है तो पिक कर सकते हो। मुर्शिदा खातून पिक कर लेते, मरूफ अख्तर ठीक है, मरूफ अख्तर। हालांकि मुझे रेबे खान ज़्यादा पसंद है भाई, रेबे खान मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है क्योंकि उनका बॉलिंग अटैक भी ज़बरदस्त है। हालांकि दोनों सेम इकोनॉमिक से बॉलिंग किए और दोनों सेम अमाउंट है बॉलिंग किए, और आपको लगता है ये ओपनर्स का विकेट गिरे तो आपके लिए मरूफ अख्तर हो सकती है, नहीं तो रेबे खान। रेबे खान क्वालिटी स्पिनर भाई, ध्यान रखिए बड़ी प्लेयर रेबे खान है। मैं मरूफ अख्तर सजा बट आप गली लवर्स जाना उनके साथ। अब देखो तो 10 प्लेयर्स पिक कर चुका, अब 11 प्लेयर किसको पिक करें, क्योंकि देखो जो 11 प्लेयर है वो बहुत स्पेशल हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप चाहो तो एक विकेट कीपर एमी हंटर को भी पिक कर सकते हो, गैविलियस को भी पिक कर सकते हो, या फिर अगर आप चाहो तो फैमा खातून को भी ट्राई कर सकते हो टीम में, या फिर चाहो तो एक बॉलर ले सकते हो। मैं 11 प्लेयर थोड़ा सा रिस्की टाइप के प्लेयर लेना चाहूँगा, मुझे जो लगता है जो सबसे बेस्ट पिक हो सकती है, जो मुझे लगता है ली पोल बॉलिंग कर नहीं रही है, ये रेमोंड से क्या ही होप करेंगे। फ्रेश एंड पिक कर नहीं तो 4 ओवर सुल्तुना खातून तो अच्छी है ही यार, मैं इनको कैसे भूल रहा हूँ यार, सुल्तुना खातून को पिक कर दो, ठीक है। सुल्तुना खातून की अच्छी पिक रही टीम से तो सुल्तुना खातून को पिक करके चलो, क्योंकि भाई स्पिनर है, स्पिनर को से भी ग्राउंड में सपोर्ट मिल रहा है। वैसे भी ढाका में मैच है, बांग्लादेश में स्पिनर्स के ज़्यादा बोल वाला रहता है भाई, क्या ही बोल उनके बारे में। कैप्टन से बात करें तो देखो आपको पता है कि मैं अगर कैप्टन करता हूँ तो लॉरा डिलानी वगैरह और लफ्रेडिंग एंडने के लिए इन सब के बीच रखता हूँ, आपको पता है। बट ये मैच ना ढाका में खेला जा रहा है जहाँ पे रन का तो पता नहीं लेकिन स्पिनर्स कुछ ज़्यादा ही नाचते हैं, तो स्पिनर के हिसाब से सलमा खातून को कर सकता होगा टीम पहले बॉलिंग कर। ध्यान रखिएगा थोड़ा टॉस पे भी थोड़ा क्या पूरा मैच टॉस पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर टीम पहले बॉलिंग करे तो आपके लिए सलमा खातून एक अच्छी ऑप्शन हो सकती है। अगर टीम बांग्लादेश अगर पहले बॉलिंग करे ना तो सलमा खातून अच्छी कैप्टनसी के लिए, अगर पहले बैटिंग करे तो आपके लिए निगर सुल्तान वगैरह मुर्शिदा खातून ये सब तो सिर्फ आपको रन मार के दे सकते हैं, बैटिंग बॉलिंग कोई नहीं करके देगा इनका। देखें तो एक है यहाँ पे सोना अख्तर, आप जा सकते हो तो सोना अख्तर के साथ तो जा ही सकते हम लोग कैप्टन, एक वनडे मैच है भाई, लेकिन इनको लोग ट्राई नहीं कर रहे, ठीक है। सोना अख्तर बॉलिंग कितने ओवर की है, अच्छी बॉलिंग करते सोना अख्तर, लेकिन लास्ट टाइम बॉलिंग नहीं किया भाई, ये गद्दारी वाला काम नहीं। ये सोना अख्तर बॉलिंग नहीं है बट बहुत अच्छी प्लेयर है भाई सोना अख्तर, स्पिनर है बंदी। खैर देखेंगे फाइन टीम है क्या सोना अख्तर को पिक करना है या फिर रेबे खान, क्योंकि अगर बॉलिंग नहीं करेगी तो मैं ड्रॉप कर दूंगा भाई। मजाक की बात अलग है, अगर टीम पहले बॉलिंग करे भाई ड्रॉप ही कर दे सोना अख्तर को, हालांकि सिग्ना बैटिंग करके दे रही है, मैं रेबे खान के साथ ठीक हूँ। अब टीम परफेक्ट है, जो भी है ट्रांसपेरेंसी के साथ टीम क्रिएट किया हुआ तो बिल्कुल परफेक्ट है। कैप्टन फिलहाल के लिए लॉरा डिलानी के साथ, हालांकि देखो परसों बताऊँ तो मुझे जो सबसे बेस्ट कैप्टन लग रही है वो नहीदा अख्तर, जो मुझे बहुत सही लगती है कैप्टनसी के लिए। तो मैं नहीदा अख्तर कैप्टन, बस कैप्टन सलमा खातून के साथ जा रहा हूँ, इन दोनों के पीछे CVC रखा हूँ। लेकिन भाई हर कोई जानता है जो मेरी वीडियो देखता है, मैं हमेशा लॉरा डिलानी और लफ्रेडिंगस के बीच ही रखता हूँ। बहुत मैचेस अभी पता है मुझे हेलीब्रोटोन का मैच कवर करने जाना है भाई, रात के 3 बजे मैच है, 11 बजे 11:30 हो रहे हैं,
खेल सेफ इन्वेस्टमेंट बुक का, तो सेफ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो सेम टीम के साथ, टीम परफेक्ट है इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हो, अच्छा मैच इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक मैच है, कोई दिक्कत नहीं है। आपका टॉस में बोलो ग्रैली खेलो भाई, दबा के खेलो, मैं मना नहीं करूँगा, ग्रैली खेलो। 100 लाइक्स अगर इस वीडियो पर आते हैं ना 100 लाइक्स, तो मैं लाइव आके आपको ग्रैली फिन करके दिखा दूँगा। तो जो से कर देना चैनल सब्सक्राइब, जो से कर लीजिएगा, और कोई डाउट हो कमेंट कर देना, ठीक है। मिल तो डेली आप अपडेट करूँगा। कैप्टन नहीं दाखता है वैसे भी सलमा खातून है, टीम पहले बॉलिंग करे तो ये टीम परफेक्ट है। हालांकि टीम पहले बॉलिंग करेंगे ना बांग्लादेश, तो आप इतना नीचे मत जाइएगा कि आप ना निगर सुल्तान वगैरह, निगर सुल्तान ठीक है विकेट कीपिंग तो नहीं करेगी, लेकिन इतना इनकी बैटिंग नहीं आ पाएगी भाई, ठीक है। ज़्यादा नीचे मत जाना अगर टीम पहले बैटिंग करे तो। टीम बहुत परफेक्ट किया गया, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, क्योंकि मुझे वीडियो भी अपलोड करने जाना। आप चैनल सब्सक्राइब कर लेना, बहुत सही मैच इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। एकदम न्यूट्रल टीम, कोई नहीं कह सकते लॉस वाली टीम लग रहा है, कहीं से भी लग रहा है, मेरी सर्टिफिकेशन भी दे रहा है। मैं तो टेलीग्राम पे अपडेट आपको कर दूंगा, चाहे सब्सक्राइब उसे करके रख लेना, और टेलीग्राम पे एक्टिव रहेगा।